अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक नंबर 3 है हमारा ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की नेमतें। इसमें हमें एक स्टोरी उन्होंने बताई है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने कौन कौन सी नेमतें हमें अता की हैं और हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। वन डे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मेट टुगेदर इन अ बास्केट। एक दिन क्या हुआ कि जो फल और सब्जियां हैं वो एक बास्केट में, एक टोकरी में इकट्ठे हुए, मिले एक दूसरे से। दे बिकेम फ्रेंड्स, और वो दोस्त बन गए। वन मॉर्निंग ऑल ऑफ देम वर टॉकिंग टू ईच अदर। एक सुबह क्या हुआ कि वो आपस में बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे। बट रेड कैरेट वॉज सिटिंग क्वाइटली इन अ कॉर्नर। लेकिन जो एक लाल गाजर थी वो खामोशी से, क्वाइटली का मतलब होता है खामोशी से एक कोने में बैठी थी। वाई आर यू सैड, आस्क येलो मैंगो। तुम क्यों उदास हो, सैड मीन्स उदास होना, तुम क्यों उदास हो, किसने पूछा ये? जी येलो मैंगो यानी पीला आम था, उसने पूछा कि कैरेट से, गाजर से, कि तुम क्यों उदास हो। शी सेड, उसने कहा, जूसी एप्पल ऑलवेज फाइट्स विद मी। जूसी का मतलब होता है रसदार, जिसमें रस होता है। फाइट्स मीन्स लड़ना। वो कहती है, गाजर कहती है कि जो रसदार सेब है वो हमेशा मुझसे लड़ाई झगड़ा करता है। ही सेज, वो कहता है, ही इज़ वेरी स्वीट एंड हेल्दी। हेल्दी का मतलब होता है सेहतमंद या सेहत के लिए अच्छा। तो सेब कहता है कि मैं बहुत मीठा हूँ और मैं हेल्दी हूँ, मैं सेहतमंद हूँ और मैं सेहत के लिए बहुत अच्छा हूँ। पीपल लाइक टू ईट हिम मोर देन मी। गाजर जो है वो बहुत ज़्यादा उदास है, वो कहती है कि लोग जो हैं वो सेब मुझसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, कि लोगों को सेब खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। He makes fun of me. वो कहती है कि जो सेब है वो मेरा मजाक बनाता है। Fun का मतलब होता है मजाक। All the fruits and vegetables felt sorry for red carrot. अब सारे fruits and vegetables जब उसकी बात सुनी, सारे फल और सब्जियाँ, उनको बहुत दुख हुआ कि सेब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। You should not feel sad. तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड अस विद गुड हेल्थ। अल्लाह ताला ने हम सबको अच्छी सेहत दी है और हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए। वी शुड नॉट फाइट, सेड येलो मैंगो। आम ने क्या कहा, आम कहता है कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। एवरीवन एग्रीड, और हर किसी ने उसकी बात को माना। सब ने कहा हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जूसी एप्पल ऑल्सो सेड सॉरी टू रेड कैरेट फॉर बींग रूड टू हर। अच्छा अब क्या हुआ कि जब सब ने ये बात की कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तो जो सेब है उसको एहसास हो गया और उसने गाजर से माफ़ी मांगी, सॉरी की उसने कि उसने उसके साथ रूड का मतलब होता है मिसबिहेव करना, कि बुरी तरह उसने उसके साथ बात की थी, उसकी उसने माफ़ी मांग ली। एंड दे बिकेम फ्रेंड्स अगेन, और उसके बाद क्या हुआ कि वो दोबारा से दोस्त बन गए। अब एक दफ़ा फिर हम रीडिंग कर लेते हैं। वन डे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मेट टुगेदर इन अ बास्केट, दे बिकेम फ्रेंड्स। वन मॉर्निंग ऑल ऑफ देम वर टॉकिंग टू ईच अदर, बट रेड कैरेट वॉज सिटिंग क्वाइटली इन अ कॉर्नर। वाई आर यू सैड, आस्क येलो मैंगो। शी सैड, जूसी एप्पल ऑलवेज फाइट्स विद मी। He says he is very sweet and healthy. People like to eat him more than me. He makes fun of me. All the fruits and vegetables felt sorry for red carrot. You should not feel sad. Allah has blessed us with good health. We should not fight, said yellow mango. Everyone agreed. Juicy apple also said sorry to red carrot for being rude to her and they became friends again. जी स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इसके डिक्टेशन वर्ड्स की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये आपने नीट कॉपी पे पेज रेडी करना है, टॉपिक का नाम लिखना है, टॉपिक नंबर 3 ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, और उसके बाद आपने डिक्टेशन वर्ड्स याद करके लिखने हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं डिक्टेशन वर्ड्स। 5 डिक्टेशन वर्ड्स हैं जो आपने अपनी नीट कॉपीज पर अच्छी तरह याद करके लिखने हैं जी। तो कौन कौन से हैं डिक्टेशन वर्ड्स? सबसे पहला डिक्टेशन वर्ड है फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स। नंबर टू बास्केट, BASKET, बास्केट। नंबर थ्री हेल्दी, HELTHY, हेल्दी। नंबर फोर फाइट, FIGHT, फाइट। नंबर फाइव फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स। नंबर वन फ्रूट्स, नंबर टू बास्केट, नंबर थ्री हेल्दी, नंबर फोर फाइट एंड नंबर फाइव फ्रेंड्स। फ्रूट्स, बास्केट, हेल्दी, फाइट एंड फ्रेंड्स, ये 5 डिक्टेशन वर्ड्स हैं। आपने ज्वाइनिंग राइटिंग में ही इनको लिखना है अपनी नीट कॉपीज में। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड्स मीनिंग एंड वर्ड सेंटेंसेस। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर आप टॉपिक नंबर 3 और नाम लिखेंगे ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, और उसके बाद आपने सेंटर में लाइन लगाएंगे। एक तरफ लिखेंगे वर्ड्स एंड दूसरी तरफ मीनिंग्स। 3 वर्ड्स मीनिंग हैं जो आपने अच्छी तरह इनको याद करना है अपनी कॉपी में स्पेलिंग्स के साथ। नंबर वन है हेल्दी। हेल्दी का मीनिंग क्या है? गुड फॉर हेल्थ, यानी सेहत के लिए अच्छी। जो चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है हमारी सेहत के लिए, हम कहते हैं कि वो हेल्दी है। वो फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, ठीक है। GOOD, गुड, FOR, HEALTH, हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। नंबर टू है इक्वल। इक्वल सेम, एक जैसा। सेम एबिलिटी, एक जैसी जो चीज़ होती है या सलाहियत, एक जैसी चीज़ होती है उसको हम कहते हैं सेम एबिलिटी, SAME, सेम। ABILITY, एबिलिटी, सेम एबिलिटी। सैड, सैड मीन्स उदास होना। अनहैप्पी, UNHAPPY, अनहैप्पी, ठीक है। इसके बाद है वर्ड्स। अगर आपके पास कॉपीज में वर्ड्स मीनिंग के नीचे स्पेस है तो आप वर्ड्स सेंटेंसेस उसके नीचे भी लिख सकते हैं, और अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप इसको कॉपी के नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे वर्ड्स और सेंटेंसेस। अपनी तरफ से अपनी पसंद के कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। सबसे पहला वर्ड है स्वीट, SWEET, स्वीट। स्वीट का मतलब होता है मीठा। कोई भी चीज़ मीठी हो सकती है। आप लिख सकते हैं द कैंडी इज स्वीट, दिस फ्रूट इज स्वीट, द एप्पल इज स्वीट, कुछ कोई भी इस तरह का इजी से सेंटेंस आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट है जी फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। कोई भी सेंटेंस बन सकता है, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, या आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ गुड फ्रेंड, या शी इज़ माय फ्रेंड। इस तरह आप कोई भी अपनी पसंद का एक सेंटेंस यहाँ फ्रेंड का बनाएंगे। नंबर थ्री है बास्केट। द बास्केट इज़ फुल ऑफ फ्रूट्स, या इट इज़ अ फ्रूट बास्केट, या इट इज़ अ बिग बास्केट, इट इज़ अ स्मॉल बास्केट, आई हैव अ फ्रूट बास्केट। कोई भी इजी सा सेंटेंस जो आपको अच्छा लगता है, इजी सा लगता है, और आप उसको इजीली लिख सकते हैं। आपने उसको ज्वाइनिंग राइटिंग में अपनी नीट कॉपीज में लिखना है। एक और बात फ्रेंड्स की, जो मैंने आपको अभी रीडिंग करवाई है इस चैप्टर की, आपने बहुत अच्छे तरीके से रीडिंग इसकी करनी है, ठीक है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स की। और कोशिश करें कि जो काम आपको दिया जाता है वो आपने ज्वाइनिंग राइटिंग में लिखना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप ज्वाइनिंग की, आपकी राइटिंग बेहतर होती जाएगी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।